वन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के अंदर जो विविधता है, जैव विविधता। इनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके से पढ़ाया जाए कि हर एक जीव के बारे में हम ब्रीफली नॉलेज पा सके, जिसमें प्लांट किंगडम हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम के भी करीब करीब मैक्सिमम जितने भी क्लासिफिकेशंस थे वो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं लास्टली कॉर्डाटा। कॉर्डाटा पढ़ना है आज हमें। इसके पहले जितने भी आपके क्लासिफिकेशंस थे वो सब हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कॉर्डाटा क्या है, कॉर्डाटा के कैरेक्टर्स क्या हैं, और साथ ही कॉर्डाटा को कितने भागों में बांटा गया है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा लें। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में इसके पहले हमने ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी थी। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कॉर्डाटा के बारे में। कॉर्डाटा क्या है? कॉर्डाटा एक लैटिन शब्द से बना हुआ एक वर्ड है, ठीक है। कॉर्डाटा क्या है? लैटिन शब्द से बना हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब, कॉर्डा जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। देखिए, कॉर्डाटा की जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टर है वो है कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके बॉडी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सेम इसी तरीके की रीढ़ की हड्डी आपको आसपास के दिखने वाले सभी जानवरों में भी मिलेगी, साथ ही ये हमारे फिशेस के अंदर भी मिलता है। तो ये नोटोकॉर्ड इसी को कहते हैं, यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम जो है जब बेसिक स्थिति में होता है तो इसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्डाटा का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से इसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना है कि कॉर्डाटा का मतलब क्या है, यानी कि स्ट्रिंग, एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर छोटे 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 इस तरीके के कॉलम्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम इन बिगर एनिमल, जैसे हम आप हो गए, लेकिन कुछ जो छोटे जीव हैं उनके अंदर ये नोटोकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। साथ ही जब हम छोटे बच्चे, जब हमारी बॉडी का निर्माण होना शुरू होता है तब भी वहाँ पर ये नोटोकॉर्ड से ही बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स देखिए, पहला कैरेक्टर कहता है कि बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज ट्रिप्टोब्लास्टिक, यानी कि बॉडी जो होगा सेल के तीन लेयर से मिलके बना होगा। साथ ही कोलियोमेट, यानी कि प्योर कैविटी जो है बॉडी के अंदर, जो कैविटी है वो पाई जाएगी। और साथ ही इनके अंदर क्या होगा कि ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिक होंगे, यानी कि दोनों तरफ से इनका, अगर बीच से इनको वर्टेक्सली काटा जाए तो क्या होंगे कि दोनों तरफ के जो इनके दिखने के जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। पिछले वीडियोज़ में भी जब हमने इकाइनोडर्माटा दिखाया था, या फिर हमने अलग अलग जितने भी क्लासिफिकेशंस थे उनको देखा था, तो उस टाइम भी हमने इसके सिमेट्री क्या होता है ये हम समझा चुके हैं, या फिर कोलियोमेट क्या है इसको भी बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, और ट्रिप्टोब्लास्टिक भी समझा चुके हैं। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बारी बारी से जब एक दूसरे को समझेंगे आप तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। डायरेक्टली आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो वो आपको परेशान करेगा। तो चूंकि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पहला वीडियो है वहाँ से आप डायरेक्टली लगातार सारी वीडियोस को देखिए तो आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऑल ऑफ देम हैव नोटोकॉर्ड, यानी कि जितने भी कॉर्डाटा वर्ग के जीव होंगे उनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया ही जाएगा। नोटोकॉर्ड कहने का मतलब, हमने सिंपल बताया आपको कि ये रीढ़ की हड्डी है। जैसे आप फिशेस को भी देखते हैं तो फिश के बीच में क्या होता है, बीच में एक मेन कांटा होता है, उससे फिर पतले पतले स्केलेटन्स निकले होते हैं, पतले पतले कांटे निकले होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप जितने भी जीव देखेंगे कॉर्डाटा वर्ग के, इन सभी में क्या होगा कि उनके बॉडी के बीचों बीच बैक साइड में एक पतली सी लंबी सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है कि दे हैव डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड गिल्स पाउच, यानी कि इनके बीच में क्या होता है कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है, पीछे की जगह पे डॉर्सल नर्व का कॉर्ड, यानी कि
बहुत सारे नसों का एक मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम जो बनेगा इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे नर्व जो होंगे, पतली पतली नसों का जाल जो होगा ये उसको ढोने का काम करता है। तो उनके बीच में डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, साथ ही पेयर में गिल्स पाउच पाई जाती है। अब देखते हैं कि अगर मछली को अगर आपने काटा होगा तो उसके यहाँ पर गिल्स पाया जाता है ना, दोनों साइड में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे भी यहाँ पर दोनों साइड में लार्वा पाए जाते हैं, लार ग्रंथि जो है, इसी तरीके से ये गिल्स पाउच पाए जाते हैं हर एक नोटोकॉर्ड जीव के अंदर, सॉरी कॉर्डाटा वर्ग के जीव के अंदर। थर्ड फोर्थ पॉइंट कहता है कि अ पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि हर एक कॉर्डेट्स के जो अंदर है ये किसी न किसी एज में, ठीक है, उनके बॉडी में एक टेल पाया जाएगा, एक पूंछ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। जैसे आपने मेढक को देखा है, मेढक की पूंछ तो होती नहीं है, लेकिन जब वो बच्चा होता है, छोटे एज में होता है, तो आपने देखा होगा बिंग मछली बोलते हैं उसको, नॉर्मल भाषा में उसको बिंग मछली भी बोलते हैं। तो वो फ्रॉग का क्या है, वो टेडपोल जो है, टेडपोल क्या है, वो उनके एक शुरुआती यानी कि जब वो शुरुआत कर रहे हैं अपने जीवन का, उस टाइम का वो उसका चक्र है, और उस स्टेज में उसकी बॉडी में पूंछ पाई जाती है। बाद में जाके वो भले ही हट गई हो लेकिन वो पाई जाती है। जब हम भी छोटे होते हैं, जब हमारी बॉडी का निर्माण होना शुरू होता है, और जब हम बहुत छोटे होते हैं यानी कि माँ के पेट में, जब हमारा 1 से 2 महीने का जब हमारे जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसकी भी जो स्टाइल होती है वो इस तरीके से होती है, और नीचे में ये पूंछ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आप जितने भी कॉर्डेट्स वर्ग के जीवों को देखेंगे उन सभी के जीवों में क्या होगा कि किसी न किसी स्टेज में, जरूरी नहीं कि वो टेल पूरे लाइफ साइकिल में पाया जाए, नहीं, किसी किसी स्टेज में लाइफ में क्या पाई जाती है कि ये पूंछ पाए जाते हैं, ठीक है। टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है पोस्ट एनल यानी कि पिछले हिस्से में, बॉडी के पिछले हिस्से में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो पूंछ की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। सम स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी कि पूरे लाइफ में ज़रूरी नहीं है, किसी किसी में पूरे लाइफ दिखता है, और किसी किसी में ये कुछ कुछ जगह, कुछ लाइफ के कुछ स्टेजेस में नज़र आता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि वेंट्रल हर्ट इज प्रेजेंट विथ डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स एंड क्लोज वर्ल्ड वैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जा रही थी, कि बॉडी में कोई नसें नहीं पाई जाती थी, आर्टरीज नहीं था, वेंस नहीं था, बॉडी में डायरेक्टली वो जो न्यूट्रिशन थे वो डायरेक्टली इधर से उधर जा रहे थे। लेकिन जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि अब क्या है कि हमारे जीवों के अंदर, जितने भी हमारे कॉर्डेट्स वर्ग के जीव होंगे, इनके अंदर क्या होगा कि आर्टरीज और वेन्स पाए जाएंगे, पतली पतली नसें जो हैं बॉडी में फैली होंगी, और वहीं से ये ब्लड का सर्कुलेशन होगा। छठा पॉइंट आपका कहता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जो है वो कॉर्डेट्स में क्या होते हैं कि पूरी तरीके से फुल्ली डेवलप्ड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, सारे चीज़ों को, न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने के लायक बना हुआ है, या फिर जितने जीव हम अपने आसपास देखते हैं उनके भी जो क्या है, उनके भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी में अपना जितने भी न्यूट्रिशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करने लायक बने हुए हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गई, इन सभी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटेड बना हुआ है। तो इस सारे के सारे ये सारी चीज़ें जो थी इनसे पहले यानी काइनोडर्माटा, मोलस्का, इन सभी चीज़ों में नहीं पाई जा रही थी, वो सारे छोटे छोटे जीव थे, और साथ ही उनका जो डेवलपमेंट था वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन कॉर्डेटा जो है वो अभी तक का जितना हमने पीछे पढ़ा है उनमें से ये सबसे ज़्यादा एडवांस जीव कहे गए। इनमें से भी एडवांसियत आई, बहुत सारे कॉर्डेटा जो थे वो अलग अलग तरीके के दिखने लगे, तो इनको कॉर्डेटा वर्ग के जीवों को 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग को कहा गया प्रोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरे भाग को कहा गया वर्टिब्रेटा, ठीक है। पहले भाग को प्रोटोकॉर्डेटा एंड दूसरे भाग को वर्टिब्रेटा, किसके, कॉर्डेटा वर्ग के जीवों को 2 भागों में बांटा गया, पहला प्रोटोकॉर्डेटा एंड दूसरा
वर्टिब्रेटा। करें अगर प्रोटोकॉर्डाटा की, तो प्रोटोकॉर्डाटा जो है वो क्या है, वो एक ग्रीक वर्ड है, जीके वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीक शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जगह नहीं वहाँ पे था, तो जीके वर्ड यानी कि ग्रीक वर्ड क्या है, प्रोटोकॉर्डाटा इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि पहला, और कॉर्डाटा का मतलब नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है। तो वैसे जीव जिसमें सबसे पहली बार नोटोकॉर्ड देखा गया, प्री मैच्योर रूप में नोटोकॉर्ड देखा गया, उसको कहा गया प्रोटोकॉर्डाटा। ठीक है, जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये पूरी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन जो प्रोटोकॉर्डाटा के नोटोकॉर्ड होते हैं ये पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं, और ये सबसे पहले नोटोकॉर्ड जो बना था वो बना था प्रोटोकॉर्डाटा के अंदर। कॉर्डाटा वर्ग अगर बोलें तो उसमें प्रोटोकॉर्डाटा भी आते हैं, वर्टिब्रेटा भी आते हैं, दोनों तरह के आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें केवल प्रोटोकॉर्डाटा, तो इनके जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और ये नोटोकॉर्ड पहली बार बना था, इसीलिए इसको कहा गया प्रोटोकॉर्डाटा। नोटोकॉर्ड पहली बार जब बना, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉर्डाटा। ठीक है, इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि ये ट्रिप्टोब्लास्टिक होंगे, बायलेट्रिकली सिमेट्रिक होंगे और कोलियोमेट होंगे, जो कि पहले चीज़ें भी बता चुकी हूँ मैं। ट्रिप्टोब्लास्टिक सेल के तीन लेयर से मिलके बने होंगे, बायलेट्रिकली सिमेट्रिक दोनों जो होंगे, अगर इनको वर्टिकली काटा जाए तो दोनों तरफ जो इनका शेप होगा बिल्कुल सेम होगा। एंड थर्ड वर्ड इज कोलियोमेट। कोलियोमेट का मतलब क्या हुआ कि ट्रू बॉडी कैविटी बॉडी के अंदर पाई जाती है, सही रूप में बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी पाया जाता है, जैसे हमारे चेस्ट कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी है, तो इस तरीके से वहाँ पे कैविटी पाई जाती है बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ का आ गया कि दे शो नोटोकॉर्ड इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में इनके बॉडी में ये टेल्स नहीं पाए जाते, ये नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते, किसी किसी जो लाइफ का इनका ये स्टेज होता है उसमें नोटोकॉर्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दे शो नोटोकॉर्ड इन सम स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ के कुछ स्टेजेस में जो है वो इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड नज़र आता है, या कुछ समय बाद ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एज इट इज टेल ऑफ यंग लार्वा, और जबकि टेल्स देखा जाए तो टेल्स जो हैं वो किसी जो मैच्योर रूप से प्रूफ जो यंग हो चुका लार्वा है उसके अंदर देखा जाएगा। टेल यंग लार्वा के अंदर, और नोटोकॉर्ड बॉडी के किसी मतलब जीवन के किसी भी स्टेज में, लाइफ के किसी भी स्टेज में देखा जाता है। थर्ड वन कहता है कि दीज आर मोस्टली मेराइन एनिमल्स, यानी कि इनमें से ज़्यादातर जो जीव हैं किसमें, प्रोटोकॉर्डाट्स में, प्रोटोकॉर्डेट्स में जितने भी मैक्सिमम जीव जो हैं वो क्या होंगे, वो पाए जाते हैं समुद्रों के अंदर, यानी कि नमकीन पानी, खारे पानी के जीव होते हैं ये। ठीक है, दीज आर मोस्टली मराइन एनिमल, मराइन का मतलब ही होता है खारे पानी की जीव, तो ये सारे के सारे मैक्सिमम जो इनके जीव होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स वर्ग के, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये समुद्री जीव होंगे, खारे पानी के जीव होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे बेलानोगल्स, हर्डमेनिया, एम्फी ऑक्सस, ये सब समुद्री जीव हैं, नाम कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन पढ़ लीजिए आगे क्वेश्चंस में अगर दे देता है कि ये जो है वो किस वर्ग का जीव है, तो आपको लिखना होगा कि दैट इज़ फ्रॉम प्रोटोकॉर्डाटा, है ना। तो ये कौन से जी ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोटोकॉर्डाटा के कुछ उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से हर चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब बात करें अगर वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा क्या है, बिल्कुल प्रोटोकॉर्डाटा से थोड़ा सा एडवांस है ना। वर्टिब्रेटा जो हैं वो पूरे जीव के वर्गों में सबसे ज़्यादा एडवांस जीव, अभी तक जितने भी पढ़े हमने पीछे, मैंने कहा ना कॉर्डाटा सबसे ज़्यादा था, अब इनसे भी ज़्यादा प्रोटोकॉर्डाटा जब इससे कम है तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटोकॉर्डाटा जब पहली बार नोटोकॉर्ड बना, लेकिन नोटोकॉर्ड जब पूरी तरह से डेवलप हो गया, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिब्रेटा, समझ में आया। तो अब ये जो जीव हैं वो और भी ज़्यादा एडवांस रूप, इसी से हमें पता चलता है कि जीवन की जो शुरुआत हुई वो उन छोटे छोटे जीवों से हुई जो हमें अभी नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। आज हम अपने आमने सामने जो बड़े बड़े जिराफ देख रहे हैं, बड़े बड़े एलिफेंट्स देख रहे हैं, टाइगर्स देख रहे हैं, बकरियाँ देख रहे हैं, यानी कि जितनी भी जीव हम अपने आसपास देख रहे हैं, उन सभी जीवों की उत्पत्ति जो हुई वो किसी न किसी एमीबा पैरामीशियम जैसे छोटे जीवों से बढ़ते बढ़ते हुई है। उनमें कुछ चेंजेस आ गया, उसमें कुछ वेरिएशन आया, कुछ नया बना, फिर उसमें वेरिएशन आया, कुछ नया बना,
फिर उसमें कुछ वेरिएशन आया, नया बना, और इस तरीके से जब हम इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर एक जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी न किसी पुराने जीव से हुई है ना। जैसे हमारे बारे में कहा जाता है कि हमारा जो जीवन शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ, बंदरों से हुआ है ना। पहले बंदर थे, उनमें कुछ वेरिएशंस आए तो गोरिल्ला बने, गोरिल्ला में कुछ सॉरी चिंपैंजी बने, उसमें गोरिल्ला बना, फिर उसके बाद जाके इंसान बना। तो इसी तरीके से जैसे उसमें वेरिएशन आने के बाद बना, तो केवल हम यहाँ बंदरों से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें उससे पहले की भी, तो उसके पहले ये बंदर भी किसी न किसी अलग जीव से बने, वो भी किसी न किसी अलग जीव से बना, और इन सभी की शुरुआत जो हुई होगी वो छोटे छोटे जो हमारे जो पैरासाइट्स हैं, एकदम छोटे छोटे जीव जो हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनसे हमारे जीवन की शुरुआत हुई है ना। तो बात करते हैं वर्टिब्रेटा की। तो वर्टिब्रेटा क्या है, दे हैव अ ट्रू वेंट्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन विच अलाउज कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट्स दैट हेल्प इन मूवमेंट। और देखिए वर्टिब्रेटा के अंदर क्या पाया जाने लगा कि वर्टिब्रल कॉलम जो था नोटोकॉर्ड अब बदल गया वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। यहां जो नोटोकॉर्ड था वो अब फुल्ली डेवलप्ड होके बन गया वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ नॉट ओनली वर्टिब्रल कॉलम बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा हमारी बॉडीज के अंदर बहुत सारे पतले पतले इंटरनल स्केलेटन। इसके पहले जब हम मोलस्का पढ़ रहे थे तो मोलस्का के अंदर हमने बताया था कि एक्सोस्केलेटन उसके अंदर पाया जाता था, बाहर से उसको बॉडी को कवर करने के लिए स्केलेटन पाए जाते थे, लाइक सीप्स के अंदर या फिर जो घोंघा था उसके अंदर, तो वो क्या था कि उसके अंदर एक्सोस्केलेटन पाए जाते थे। लेकिन अब जो वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करेंगे तो इसमें इंटरनल स्केलेटन जो पाए जाते हैं और साथ में जॉइंट्स पाए जाते हैं, उनमें मसल्स पाए जाते हैं जो क्या करता है बॉडी को मूव करने में मदद कर रहा है। अगर उसमें हमारे बीच में हड्डियां ही ना हो, अगर इसमें हड्डी नहीं होता तो क्या हमारे हाथ मूव कर पाते? नॉट ओनली हड्डी, हड्डी के साथ अगर ज्वाइंट नहीं होते, मसल्स नहीं होते तो हमारा मूव कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो यही चीज बताया गया यहाँ पे कि सर वर्टिब्रल कॉलम जो नोटोकॉर्ड था वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल गया। उसके अलावा क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्केलेटन पाए जाने लगे जो क्या करते हैं कि जो अलाउ करते हैं कंप्लीटली डिफरेंट, हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिफरेंट बना देते हैं इन सभी से, प्रोटोकॉर्डाट से, इकाइनोडर्माटा, मोलस्का, जितने भी जीव हमने पीछे पढ़े उन सभी से हमारी बॉडी को एडवांस बना देते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मसल्स अटैचमेंट हैं वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट में मदद करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि देयर बॉडी इज बायोलिट्रिकली सिमेट्रिक। नॉर्मल सी बात है कि हमारी बॉडी भी जो है अगर हमको बीच से अगर इस तरीके से काट दिया जाए तो जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर इधर है वैसा ही बॉडी का स्ट्रक्चर इधर भी होगा, इधर भी एक हाथ, इधर भी एक हाथ, इधर भी एक पैर, इधर भी एक पैर, इधर भी एक कान, इधर भी एक कान, नाक एक ही है क्योंकि ये बहुत बीच में है। समझ में आ रही बात, नाक जो है वो पूरी तरह से बीच में है इसीलिए ये एक है, नहीं तो आंखें भी दो हैं, आपके चीक्स भी दो हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम जो हैं वो बायोलिट्रिकली सिमेट्रिक हैं, है ना। साथ में ट्रिप्टोब्लास्टिक है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही पाया जाता है, एपिडर्मिस है, फिर मेसोडर्म है, फिर इंडोडर्म है, इस तरीके से हमारा बॉडी भी तीन तरह के सेल लेयर से मिलके बना होता है ना। साथ में आप देख लीजिए कि कोलियोमिक, हमारी बॉडी भी कोलियोमिक है, बीच में कैविटी पाई जा रही है, ट्रू कैविटी पाई जा रही है, और साथ में सेगमेंटेड यानी कि अलग अलग इसके भाग हैं, जैसे सर का भाग अलग है, धड़ का भाग अलग है, पोस्टीरियर एरिया का भाग अलग है, आपके लेग्स का भाग अलग है, हैंड का भाग अलग है, यानी कि पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि इन दिस एनिमल्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इज प्रेजेंट। अभी तक इसके पहले कहीं पे भी आपको टिश्यू देखने के लिए नहीं मिला, सेल्स से पढ़ रहे थे कि तीन सेल्स के लेयर से मिलके बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे आपको टिश्यूज़ भी मिलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी टिश्यू पाए जाते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो जितने भी वर्टिब्रेटा वर्ग के जीव होंगे इन सभी के बॉडी में क्या पाए जाएंगे, टिश्यूज़ पाए जाएंगे, ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पाए जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें पाई जाएंगी, जटिल चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे ब्लड भी क्या है, एक जटिल लिक्विड है,
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। हड्डी जो हमारा बना हुआ है, बोन्स जो बने हुए हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसीशंस जो हैं बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, और टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जैसे चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को प्रेजेंट होने के कारण वर्टिब्रेटा वर्ग को सबसे ज़्यादा एडवांस कहा गया। पूरे जीवों में सबसे ज़्यादा एडवांस जो जीव होते हैं वो होते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के अंदर भी फिश से लेके अब मछली भी जो है उसके अंदर भी नोटोकॉर्ड, उसके अंदर भी ऑर्गन, उसके अंदर भी ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि आंखें तो उनकी भी हैं, पाचन तंत्र उनका भी है, सब कुछ उसके अंदर है। तो क्या मछली और आदमी एक जैसा है? नहीं। तब क्या किया गया, फिर इन वर्टिब्रेटास को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। अब हम उन हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इतना ही कि वर्टिब्रेटा किसको कहते हैं, और वर्टिब्रेटा के कितने भाग किए गए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक को रखे गए अलग अलग पार्ट्स में, क्या कारण थे कि वर्टिब्रेटा को अलग अलग भागों में बांटा गया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही वीडियो और अगर वीडियो में कुछ बेहतरीन चीज़ें चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।